क्या महागठबंधन ज्यादा बड़े संख्या बल के साथ सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये इसको लेकर राजीव रंजन जी अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब 70 सीटों पर अभी कांटे का संघर्ष है तो वो कांटा हम लोगों की तरफ ही झुकेगा और हम आश्वस्त हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये रुझान जरूर एक नज़दीकी मुकाबले का संकेत दे रहे हैं, लेकिन पलरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के बनने की ओर ही झुकेगा और हम आश्वस्त हैं। ये 110 से 120 के बाद 70 सीटें आपके कांटे के संघर्ष के हैं। बड़ी बात ये सरकार हमारी ही बनेगी। राजीव जी, आप भी ये मान रहे हैं कि मुकाबला काफी नजदीकी है। सबसे बड़ी खबर ये है कि जेडीयू भी मान रही है कि मुकाबला नजदीकी है। मैंने आपके आंकड़ों के आधार पर कहा कि दावे करते हैं। आप खारिज भी कर सकते थे, आप तो खारिज भी कर सकते थे, आप मान रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहली बात हकीकत से, देखिए आपका सवाल, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मेरा जवाब ले लीजिए। अपने विश्लेषण पर कायम रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप उस दिशा में मुझे भी ले जाइए जो आप कहना चाहते हैं। मैंने ये कहा है कि आज भी 110 से 120 जो आपके एग्जिट पोल में तीन चरणों के जो परिणाम हैं उसमें, उसके बाद इनमें 70 सीटों पर कठोर मुकाबला है, तो निसंदेह हमारा पलड़ा भारी होगा, यह हमारा मानना है, और हमारी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा है। अगर इस विश्लेषण से आपकी आपत्ति है तो मैं नहीं समझता हूँ आपकी आपत्ति क्यों। राजीव रंजन जी, बड़ा सवाल देखिए ये है। देखिए राजीव रंजन जी, हमने ओपिनियन पोल भी दिखाया था, ओपिनियन पोल में इस तरह का कांटे का मुकाबला नहीं दिख रहा था जो अब एग्जिट पोल में दिख रहा है। क्या बदल गया ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल में? मैं आपको 30 सेकंड में केवल एक बात कहूंगा। मतदान केंद्रों पर मुखर मतदाता एग्जिट पोल में सवालों का जो जवाब देते हैं और उसके मुकाबले जो साइलेंट वोटर एनडीए के होते हैं वो जवाब कम देते हैं, वोट ज्यादा से ज्यादा करते हैं, और वही फर्क लाएगा आपका एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के नतीजों में, और वो बड़ा फर्क लाएगा। लेकिन, हम आश्वस्त हैं, कंफर्टेबल जो मार्जिन है वो एनडीए के पास होगा।